तेजपाल बुरी तरह हारे हैं, वजह कुछ ना करो। तेजपाल सबर को टिकट दी है, क्या मानते हैं भाजपा का? इसको बुरी तरह यहाँ तो सब खा रहे हैं। तेजपाल ने 100 एकड़ जमीन बनाई है। गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभाओं में शामिल सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी की बत्ती गुल नजर आ रही है। यहाँ व्यापारी वर्ग से लेके आम मतदाता आज भाजपा के खिलाफ है। आखिर क्या है ऐसे कारण जो सभी व्यक्ति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन के खिलाफ है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभाओं में शामिल सोहना तावड़ू विधानसभा में आज मतदाता भाजपा के विपरीत बातें कर रहे हैं। सोहना तावड़ू विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुल 2,83,000 यहाँ के मतदाता हैं, जिनमें गुजर वोट सबसे ज़्यादा हैं, तो उसके बाद मेव बहुल्य क्षेत्र भी है। हालांकि जातिगत आधार पर देखा जाए तो मेव कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे में गुजर वोटों के लिए 2 और पावरफुल गुजर इस क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए खुद जो भाजपा छोड़ के पंचायती उम्मीदवार के तौर पर यहां चुनाव लड़ने आए हैं कल्याण सिंह चौहान, वो भी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। यहां के मतदाताओं की माने तो सोहना में पिछले 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुए। बरसातों के समय ये हालात होते हैं कि यहाँ के बाजार लबालब होते हैं, उनको आने जाने के लिए दिक्कतें होती हैं। आज तक लोगों के बाहर गंदे सीवर के पानी भरे हुए हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। भले ही यहाँ के नेता कहते हों कि उन्होंने काफ़ी विकास कराया है, बॉम्बे एक्सप्रेसवे दिया है, सोहना गुरुग्राम एक्सप्रेसवे दिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, उसका कर्ज वो लोकसभा में वोट देकर उतार चुके हैं। क्या हालात होते हैं सोहना के? बरसातों में इतना बुरा हाल होता है कि लैटरिंग बहती सड़क पे। तो आप लोग कैसे आते हैं? हम 1 महीना से बीमार हैं, मेरे घर के आगे इतने तक पानी है और सीवर की पूरी लैटरिंग मेरे घर का आगे बहरी में सोहना शहर में इतनी गंदगी है कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, इन्होंने लूट के खा गई। तो फिर से वो तेजपाल टावर? वो तो साफ है मैदान उसका। क्यों? 1 रुपया का कोई काम नहीं किया, मतलब शहर की हालत खराब है, गंदगी, 1 रुपये का विकास नहीं, लेना देना कोई नहीं, बिल्कुल बकवास। आपका शुभ नाम? तुलसीराम। हालात सही नहीं है, बदतर, डेंगू फैल रहा है शहर के अंदर। तो बीजेपी की बत्ती गुल है, कहानी खत्म है। यहाँ तो सब खा रहे हैं। तेजपाल ने 100 एकड़ जमीन बनाई है, 100 एकड़, अरबों खरबों को खेल है और अरबों खरबों का इसका संजय खेल, इनकी इंक्वायरी करवाओ। अरुण कुमार। अरुण जी, आप कहाँ रहते हैं? सोहना में रहता हूँ। कितने सालों से? और 30 साल हो गए। बीजेपी ने एक बार फिर से तेजपाल तंवर को टिकट दी है, क्या मानते हैं भाजपा का इसको? कितना हारा है वो बुरी तरह? वजह के विकास ही ना करे कुछ भी, लेकिन भाजपा तो कहती है यहाँ से रेलवे लाइन गई है, कुछ भी ना गए। ये सब बड़ा उसका ही है, इनका थोड़ी है, MLA का थोड़ी है, तो बड़ी केंद्र सरकार की वो है, ये इनका थोड़ी है, ये तो मोदी के आई, इनकी पहमे लगे। इनने कुछ ना किया, इनने सिर्फ अपना घर भरे और कुछ ना, भी अपना विकास करे और शहर को कोई विकास नहीं करे इनने। तो संजय को बदल के तेजपाल को लाने, क्या वो ऐसे ही संजय था? संजय उतने मिलती तो वो भी हारता। खराब खराब। सोहना तावड़ू में ऐसे ही, तावड़ू में तो जा ना सके बीजेपी का। वजह तो एक बार पूछ जाए, अजय इन्हें काम ही ना करे तो जाऊंगा कहाँ वहाँ वोट मांगने? या शहर में भी लोग साथ नहीं है? कोई साथ, व्यापारी वर्ग से बात? कोई व्यापारी वर्ग साथ? व्यापारी हूँ मैं, अभी दुकान है मेरे सामने गेट पर। हाँ, व्यापारी वर्ग कोई साथ नहीं है, इन्हें अपना विकास करे, शहर का कोई विकास नहीं करे इन्हें। तेजपाल बुरी तरह हारे हैं, वजह कुछ ना करो इन्हें। पहले 5 साल रहे हो ना, जब भी ना सब ना पूछ ले, पानी भर रहा है इतना। संजय ने कुछ ना करो। आप यहीं से ही हैं? बिल्कुल यहीं से हैं हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम है कालू। अच्छा, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया इसने।
सर सोना का तो विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का बहुत विकास हुआ है। सोना तो 10 साल पहले भी रोड ऐसा था, आज भी रोड ऐसा है, कोई भी काम नहीं हुआ, कैसा भी कुछ भी। फिर से एक बार तेजपाल को टिकट दे दी गई, ये पहले विधायक रहे हैं। दिल्ली में तेजपाल जी कभी आते तो है नहीं, यहाँ पे टिकट दिए सर, पार्टी किसी न किसी को टिकट देगी, लेकिन किसी व्यापारी को, किसी सोना के लोकल को टिकट देती तो लोगों की समस्या वो सुनता और समस्याओं का समाधान भी कराता, लेकिन बाहर के को टिकट दे देते, उनको ये नहीं पता सोने में क्या है, व्यापारी को क्या दुख दर्द है, क्या परेशानी है, वो आते ही नहीं यहाँ पे। वहीं तावड़ू में भी यही हालात नजर आए। हमने खुद जाकर सोहना और तावड़ू दोनों ही जगह पहुंचकर जब जाकर बीजेपी के कार्यालय को देखा तो बीजेपी के कार्यालय भी बिल्कुल सूने पड़े हुए थे। तावड़ू में तो मैच 4 से 5 लोग बैठे हुए थे और कार्यालय बिल्कुल भी सूना था, जिससे साफ लगता है कि जहां कार्यालय पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां के विधायक के क्या हाल होंगे। कितने साल हो गए आपको तावड़ू में रहते हुए? तावड़ू में भाई साहब 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बार संजय को बदल के फिर से तेजपाल पे भरोसा रखा है? भरोसा तो रखा है भाई साहब, पर ये क्या है, शेर का भाई भगेरा, ये दोनों ये एक है। पब्लिक के लिए ना संजय ने कुछ करा, ना तेजपाल तंवर जी करते हैं। कुछ बदलाव होना चाहिए, यही डिमांड है हमारी तावड़ू की क्षेत्र के लिए। देखो बाकी तो जो आएगा उस भाई मोस्ट वेलकम है। ये तो पब्लिक, ये तो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है जी, पब्लिक किसे चुनती है। पर तावड़ू का विकास किसी ने नहीं करा जी। नाम बताइए अपना। राजपाल। राजपाल जी आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? तावड़ू का ही है जी। तावड़ी को है। भारतीय जनता पार्टी ने तेजपाल तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया, क्या मानते हैं, क्या उनका? पहले बनाया जी, कुछ करेगा, कुछ भी नहीं किया संजय ने, कुछ नहीं किया जनता के लिए। मौका क्यों दिया बीजेपी ने? हो सकता सुधार आया जाए तब भी नहीं सुधरे। अच्छा। कोई नहीं बना ऐसा भाई जो लेडीज जेंट्स के लेडीज के लिए कोई जच्चा बच्चा कोई बड़ा हॉस्पिटल ऐसा कोई सरकार कोई महकमा है ही नहीं, वो देहात का देहात ही। बिल्कुल कुछ नहीं है जी, जीरो में। तावड़ू में पिछले 10 साल में कुछ काम हुए? कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। बीजेपी की सरकार थी? थी जी। काम बीजेपी काम ही ना कर रही, अब कोई काम ना कर रही। कितने साल हो गए तावड़ू में रहते हुए? हमें तो पूरी जिंदगी गुजार दी। अच्छा जी, क्या नाम आपका? सतीश। कुल मिलाकर आज जो व्यापारियों की स्थिति सोना और तावड़ू बाजार में है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस समय भाजपा का खुलकर विरोध सामने आ रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कल्याण सिंह चौहान भी उनके लिए, जिन्होंने एक निर्दलीय के तौर पर एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, वो खुद भाजपा से थे। ऐसे में भाजपा को दोहरा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा इस स्थिति से कैसे उभरती है और कैसे अपना चुनावी बेड़ा पार कराती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।